नमस्कार, मेरे चैनल मेरा हुनर मेरा पैशन में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज ये आपको दिख रहा है ये तुलसी का पौधा, जिसके बारे में आपको मैं थोड़ी सी राय देने जा रही हूँ। तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र पौधा होता है और आज मैं इसी का रोपण अपने न्यू पॉट में करने जा रही हूँ। अभी मैं यहाँ से एक ये देखिए छोटा सा पौधा है, इसको मैं निकालूँगी और इसको ले जाके अपने पॉट में लगाऊँगी। इसके लिए मुझे गोबर की खाद की आवश्यकता होती है, आप ह्यूमिक एसिड भी डाल सकते हैं इसमें। तुलसी का पौधा बहुत पूजनीय पौधा होता है, इसको बहुत ही केयर करने की ज़रूरत होती है और ये इसमें बहुत सारे गुण हैं, औषधीय गुण भी हैं और पूजनीय भी है, जिसकी हम पूजा करते हैं। इसकी एक एक पत्ती, डाल, जड़ सब कुछ औषधियों से भरा पड़ा है। अगर मुझे खांसी आ रही है तो भी हम जो है तुलसी के पत्ते का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। तो सर चलिए फिर से एक बार आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मैं एक पौधा यहाँ से निकाल रही हूँ, क्योंकि पौधरोपण हमको तभी करना चाहिए जब पानी बरस रहा हो, थोड़ा सा मिट्टी गीली हो, और तभी पौधे को निकाल करके हम, और अब हम इस पौधे को देखिए इस तरह से इसके ऐसे करके मैंने ऐसा पौधा निकालिए कि उसको ऐसा लगे कि जो है मुझे वहाँ से निकाला ही नहीं गया है। तो मैंने पौधा निकाल लिया है और अब मैं इसे दूसरे पॉट में लगाने जा रही हूँ। ये देखिए ये मेरा पॉट है और इसमें जो मैंने तुलसी लगाई थी वो गर्मी के कारण सूख गई थी, तो मैं इसमें फिर से तुलसी का पौधा लगाने जा रही हूँ। चलिए मैंने इसमें देखिए गड्ढा कर लिया है और ये मेरा तुलसी का पौधा है, मैं इसको इसमें रख रही हूँ। आप इस ध्यान रखिए कि कम से कम इतना ऐसा पौधा लगाइए कि जिससे कि 2 से 3 इंच ही वो पौधा मिट्टी में जाए। तुलसी मेरे पवित्र, बहुत पवित्र पौधा है, पूजनीय है और औषधीय गुण भी है। आपको सर्दी खांसी हो गई आप तुलसी का काढ़ा बना के पी लीजिए, आपके दांत में दर्द है तो भी आप तुलसी का रस निकाल के अपने दांतों में लगा लीजिए, कान में दर्द होता है तो भी तुलसी आपके लिए फ़ायदेमंद है। और सबसे पहली बड़ी बात कि अगर आपको शुगर वगैरह है, आप जो कि सबसे तेज़ी से अपने पाँव पसार रही है, शुगर जो बीमारी आजकल बहुत तेज़ी से अपने पाँव पसार रही है, उसमें भी आप तुलसी के पौधे पत्ते को रोज़ डेली चबाएं तो आपकी शुगर लेवल एकदम दुरुस्त हो जाएगी, इंसुलिन लेवल एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तो देखिए मैंने ये पेड़ लगा दिया है, पौधा लगा दिया है, अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। वैसे ऑलरेडी हमारी मिट्टी जो है ऑलरेडी जो है गीली है, तो मैं इसमें थोड़ी सी सूखी मिट्टी डालूँगी जिससे कि पौधा अच्छे से पनपे और बड़ा हो जाए। तो आपको देखिए मेरा पौधा लग गया है और आपको हमारा ये, और अब मैं इसको सेट कर दूँगी, रख दूँगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।